नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। रातों रात कैसे बदलते हैं चुनावी समीकरण, ये बिहार में खूब देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पर्व के बीच ही चुनाव का माहौल भी चल रहा है, और चुनाव के माहौल को लेकर के छठ पर्व को भी चुनावी रंग में रंग दिया है इन राजनीतिक लोगों ने। आपको बता दें कि पूरी तरह से चार सीटों के उपचुनाव को लेकर के जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन, वहीं एनडीए गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतने में लगा हुआ है। समीकरण गढ़े जा रहे हैं और बयानों के तीर चल रहे हैं। इन्हीं बीच में आपको बता दें कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, उसे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनावी माहौल है वो अपनी दिशा बदल चुका है। आपने देखा कि चार सीटों का चुनाव बिहार में हो रहा है उपचुनाव, तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में दो राज्यों में मुख्य चुनाव भी चल रहे हैं। बगल के राज्य झारखंड में भी चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार को प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके पीछे का कारण है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और आने वाले 2025 में, यानी एक साल से भी कम समय बच गए हैं मुख्य चुनाव में। इसको लेकर के इन चारों सीटों की जीत हार पर पूरे आंकड़े सेट किए जा रहे हैं और गोटियां फिट की जा रही है कि इससे बढ़त लेकर के आने वाले चुनाव के लिए एक मानसिक दबाव बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं, वहीं कई तरह के एक्ट और एक्शन भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसी बीच कैमूर की रामगढ़ सीट काफ़ी ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि यहाँ दो बड़े दल और बड़े राजनीतिक परिवार का नाक फंसा हुआ है। एक तरफ जहाँ आपको बता दें कि बक्सर का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के लिए भी ये चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ से इंडिया गठबंधन ही यानी महागठबंधन की जीत हुई थी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार यहाँ जीत हासिल किए थे, जो 2020 में चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल किए थे। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत कम था। जगताप बाबू के बड़े पुत्र हैं सुधाकर सिंह, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार उसी परिवार के छोटे बेटे सुधाकर सिंह के छोटे भाई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन के अब दिल्ली चले गए हैं। कैमूर की रामगढ़ सीट आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह यहाँ से अपना किस्मत आजमा रहे हैं और पूरा परिवार लगा हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने चारों सीटों पर दावा ठोका है कि वो चारों सीटें जीत रही है, लेकिन अब जबकि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि सुधाकर सिंह इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं और उन्होंने मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था, ये सबको पता है। नीतीश कुमार को लेकर के भी सुधाकर सिंह के रिश्तों को पता है कि किस तरह के रहे हैं। अब सुधाकर सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान छठ पर्व के समय पर जब वो चुनाव प्रचार में निकले थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने खुलेआम धमकी भरे लहजे में एक बयान दे दिया। सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस चुनाव में जो भी हो वो रामगढ़ में अगले 5 साल तक रहेंगे और किसी से भी टकराने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे, अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे सबक सिखाएंगे। बता दें बिहार में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पर है। कैमूर की रामगढ़ सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र अजीत सिंह को मैदान में उतारा है। अजीत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र और सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। अब आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने अपने भाई के लिए पूरा बिसात बिछा दिया है और कई बयान दिए हैं, जिसमें से बयान काफ़ी विवादित है। सुधाकर सिंह ने इस बात को ठीक से याद रख लेने की बात कही है कि उपचुनाव केवल एक साल के लिए नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रख लें। यानी कि उन्होंने एक तरह समझिए तो रामगढ़ की जनता को धमकी दिया है कि वो यहाँ के सांसद हैं और सांसद रहते हुए उन्हें 5 साल अभी कोई हिला नहीं सकता है। सांसद के सामने विधायक होता है, विधायक कुछ नहीं होता है, ये सुधाकर सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि याद रखें कि यहाँ से उनके सांसद बनने के बाद किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं करने देंगे, ऐसे गुंडों को सीधा करना वो जानते हैं। उन्होंने साफ तरीके से एक और बात कही है जो काफ़ी विवादित है और चर्चा में भी है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार वाली गलती हम नहीं दोहराएंगे, 2020 में
तीन जगह ही लाठी से पिटवाए थे, लेकिन इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथों पर लाठी से पिटवाएंगे, ये याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि गर्म याज का आदमी हूँ, इसका उदाहरण लोगों ने देखा है। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी थी तो उस समय में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था, वहाँ भी मैंने मुख्यमंत्री के तलवे चाटने से इनकार कर दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री को जिस तरह से कहा था वो सबको याद है, यहाँ तक कि उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद रामगढ़ में माहौल बदलता है। हालांकि उन्होंने एक बात तो तय कर ली है कि जिस तरह से उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में वोटिंग से ठीक पहले बवाल कर दिया है, उनके इस बयान ने भाई को हरवाने के लिए कहा जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल हैं, कि उन्होंने माहौल बना दिया है। जिस तरह से उन्होंने वो बात कर रहे हैं उससे काफ़ी वहाँ का माहौल गर्माया हुआ है और लोग इस बात को लेकर के अब टेंशन में हैं कि सुधाकर सिंह आखिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर बन गया है और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान और इस अवसर को किस तरह से भुनाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।